हमारे इस पृथ्वी के अंदर एक ऐसा जगह है जिसे हमारी पृथ्वी का ब्लैक होल बोला जाता है, और अगर किसी ने भी इस जगह पर गलती से भी जाने का सोचा तो उसका लौट आना लगभग ना के बराबर है। मैं बात कर रहा हूँ अटलांटिक ओशन के मायामी, बरमूडा आइलैंड एंड प्यूर्टो रिको से घिरे हुए एक ऐसे ट्रायंगल जैसे एरिया के बारे में जिसे पूरी दुनिया बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानता है। लेकिन वास्तव में बरमूडा ट्रायंगल की सीमा कहाँ तक फैला हुआ है ये कोई नहीं जानता। लोगों का ये मानना है कि अगर बरमूडा ट्रायंगल के अंदर कुछ भी गलती से गुजरता है तो बरमूडा ट्रायंगल उस चीज़ को निगल लेता है। इसी कारण इस बरमूडा ट्रायंगल को शैतानी त्रिकोण के नाम से बुलाया जाता है। बरमूडा ट्रायंगल की कहानी 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में बताया था, क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस ही पहले इंसान थे जिनका सामना बरमूडा ट्रायंगल के साथ हुआ था। क्रिस्टोफर कोलंबस अपने एक किताब में बताते हैं कि जब वो बरमूडा ट्रायंगल के अंदर पहुंचे तब उनका कंपास काम करना पूरी तरीके से बंद कर दिया। इसके बाद कोलंबस ने आसमान से एक आग के गोले को समुद्र में आके गिरते हुए देखा। हालांकि तब इस जगह को बरमूडा ट्रायंगल के नाम से नहीं जाना जाता था। उस समय लोग इस जगह को द सी ऑफ डूफ एंड सरगासो ग्रेवियर जैसे आदि नामों से बुलाते थे। बरमूडा ट्रायंगल फ्लोरिडा के दक्षिण पूर्व दिख से लगभग 5 लाख वर्ग मील तक फैला हुआ है। इस जगह पे आज तक 200 से भी ज़्यादा हवाई जहाज, 1000 से भी ज़्यादा समुद्री जहाज और 1500 से भी ज़्यादा व्यक्ति लापता हो चुके हैं। और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे पायलट के बारे में बताने वाला हूँ जो बरमूडा ट्रायंगल के अजीब और गरीब हालातों से लड़ के अपने एयरक्राफ्ट के साथ उस त्रिकोण से बच के निकल आया, और बरमूडा ट्रायंगल के अंदर उसके साथ क्या क्या हादसा हुआ वो सब उसने पूरी दुनिया को बताया। तारीख था 4 दिसंबर 1970, जब एक बोनांजा नाम का एयरक्राफ्ट पायलट और 2 पैसेंजर के साथ एक छोटे से एयरपोर्ट से मायामी के लिए उड़ान भरता है। उस एयरपोर्ट से मायामी का रास्ता लगभग 500 किलोमीटर था और जिसे तय करने में कम से कम 100 मिनट का वक्त लगता है, और उस एयरक्राफ्ट का रफ्तार 290 किलोमीटर प्रति घंटे का था। एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ हुए कुछ ही मिनट ही हुए थे कि अचानक एयरक्राफ्ट के रास्ते में एक काला घना बादल आ गया। उस वक्त पायलट के लिए एयरक्राफ्ट का रास्ता बदलना असंभव था। जब पायलट धीरे धीरे बादल के करीब आता है तो बादल का आकार बढ़ते रहता है। पायलट कुछ सोचने से पहले ही एयरक्राफ्ट बादल के अंदर चला जाता है, और ठीक 30 सेकेंड बाद एयरक्राफ्ट बादल के अंदर से निकल आता है। लेकिन कुछ ही मिनट बाद उस एयरक्राफ्ट के सामने एक और बड़ा सा बादल आता है जिसका आकार पहले वाला बादल से 10 गुना बड़ा था। पायलट के पास उस बादल का मुकाबला करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जब पायलट एयरक्राफ्ट को उस बादल के अंदर प्रवेश कराता है तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और बादल के अंदर ताबड़तोड़ बिजलियां कड़कने लगता है। इसी कारण एयरक्राफ्ट के अंदर 2 पैसेंजर्स और पायलट बहुत ही बुरे तरीके से डर चुके थे। पायलट को यकीन हो गया था कि वो लोग बरमूडा ट्रायंगल के जाल में फंस चुके हैं। बादल के अंदर इतना अंधेरा था कि उसमें सूरज की एक किरण भी नहीं आ रहा था। पायलट के हिसाब से उस बादल का लंबाई 1500 मीटर था। बादल के अंदर बिजली गरजने की वजह से पायलट धीरे धीरे एयरक्राफ्ट से अपना कंट्रोल खो रहे थे। पायलट को पता चल गया था कि वो लोग बरमूडा ट्रायंगल के भूल भुलैया में पूरी तरीके से खो चुके हैं। देखते ही देखते उस बादल के अंदर पूरे 25 मिनट गुजर चुके थे। उसी वक्त पायलट को बादल के बीच सूरज की तेज रोशनी नजर आया। उस रोशनी को देख के पायलट बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि पायलट को पता चल गया था कि ये रोशनी ही उन लोगों को इस बादल से बाहर निकाल सकता है। इसी वजह से पायलट एयरक्राफ्ट की दिशा रोशनी की तरफ करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी वक्त एयरक्राफ्ट के अंदर सभी कंट्रोल सिस्टम काम करना पूरी तरीके से बंद कर देता है। पायलट कहते हैं कि उस वक्त एयरक्राफ्ट उनके कंट्रोल में नहीं था। पायलट को ऐसा लग रहा था कि एयरक्राफ्ट जैसे कोई और कंट्रोल कर रहा है।
30 मिनट तक उस बादल के अंदर यात्रा करने के बाद वो एयरक्राफ्ट बादल से बाहर निकल आता है। लेकिन इसके बाद एक और अजीब घटना घटते हुए देखा जाता है। जब पायलट एयर ट्रैफिक के कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करता है, तब उसे पता चलता है कि एयर ट्रैफिक के कंट्रोल रूम के रडार सिस्टम में उसका एयरक्राफ्ट दिखाई नहीं दे रहा था। उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह था कि एयरक्राफ्ट को उड़ान भरे हुए सिर्फ 50 मिनट ही हुआ था और उस 50 मिनट के अंदर एयरक्राफ्ट मायामी पहुंच चुका था। इसको देखने के बाद वहां पर मौजूद सब लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस एयरपोर्ट से वो एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है वहां से मायामी का रास्ता लगभग 500 किलोमीटर था, जिसे तय करने में कम से कम 100 मिनट का वक्त लगता है। और अगर एयरक्राफ्ट का रफ्तार 290 किलोमीटर प्रति घंटे का था तो वो एयरक्राफ्ट 50 मिनट में मायामी कैसे आ सकता है। उसके बाद मायामी एयरपोर्ट के कुछ कर्मचारी जब एयरक्राफ्ट का फ्यूल चेक करते हैं तो वो लोग देखते हैं कि एयरक्राफ्ट में अभी आधे से भी ज़्यादा फ्यूल बचा हुआ है। ये सब देखने के बाद किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो सब इस घटना को छुपा के रखते हैं। और ठीक 25 साल बाद उस एयरक्राफ्ट का पायलट खुद इस घटना को पूरी दुनिया को बताते हैं। इस घटना के बारे में सुनने के बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करके अनुमान लगा के बताते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर समय यात्रा का एक रास्ता है। इसी वजह से वो एयरक्राफ्ट 100 मिनट का रास्ता सिर्फ 50 मिनट में तय कर चुका था। उन साइंटिस्टों का ये भी अनुमान है कि बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर दूसरे दुनिया में जाने का कोई रास्ता है और वो रास्ता दूसरे दुनिया के जीव मतलब एलियन ने ही बनाया है। साइंटिस्टों ने और भी दावा किया कि जब बर्मुडा ट्रायंगल से कोई जहाज या फिर कोई हवाई जहाज लापता हो जाता है तो या तो वो किसी टाइम लूप में फंस जाते हैं या फिर किसी और दुनिया में चले जाता है। साइंटिस्टों का अनुमान किया गया ये सब बातें जब लोगों के सामने आया तो ज़्यादातर लोग ही इन बातों में यकीन नहीं किया, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि ये सब बातें एक संदेह और अनुमान के तौर पर कहा गया बातें हैं। इसी कारण बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य को खोज के सबके सामने ले आने के लिए आज भी दुनिया भर के साइंटिस्ट बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। क्या सच में बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर समय यात्रा और दूसरे दुनिया में जाने का रास्ता है या फिर कोई और ही रहस्य छुपा हुआ है? आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो लगा है ज़रा सा भी अच्छा तो वीडियो पे एक लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना और ऐसे और भी मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना।